हेलो मेरे बच्चों, आज आपका हिंदी का सुलेख लिखने का दिन है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा, आज हम लिख रहे हैं यातायात के साधन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूटर। क्या बोला है? स्कूटर। सकू सकू यानी स अभी आधा है, पूरे स की आवाज़ नहीं आ रही, तो हम लेंगे आधा स। सीधी लाइन लेंगे बेटा, छोड़ देंगे सकू। देखो क को ऊ की पूरी आवाज़ आ रही है, बड़ी आवाज़ आ रही है, मीन्स की क को बड़ी ऊ की मात्रा। स्कूटर टर, सीधी लाइन छोटी सी, पूरा हाफ सर्कल बनाएंगे, छोड़ देंगे। र के लिए सीधी लाइन छोड़ दिया, ऊपर हमने लाइन लगाई। तो क्या लिखा बेटा हमने? स्कूटर। क्या लिखा? स्कूटर। आगे हम लिख रहे हैं बेटा जहाज। क्या बोला? जहाज। ज सीधी लाइन, लाइन पे लाइन आएगी बेटा, थोड़ा पीछे जाएंगे, नीचे आएंगे, धीरे धीरे इसके ऊपर जाएंगे। हाज ह छोटी लाइन, वापस जाएंगे, सीधी लाइन आ की मात्रा, ज के लिए सीधी लाइन, बीच में से नीचे आएंगे, अब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। तो बेटा क्या लिखा हमने? ये जहाज। तो आपने बेटा इस लाइन में आपने ऐसे ही सुलेख लिखना है, स्कूटर और जहाज। आगे बेटा हम लिख रहे हैं मात्रा ई की, यानी कि मात्रा ई के शब्द, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं चील। क्या बोला बेटा? चील। च सीध लाइन पे लाइन, वापिस आएंगे, नीचे जाएंगे, धीरे धीरे इसके बराबर आ जाएंगे, सीधी लाइन ई की मात्रा। आगे बेटा ल, ल के लिए सीधी लाइन आएगी, आधे से ऊपर से शुरू करेंगे, स्लॉट लाइन लेंगे, अब धीरे धीरे इसको यहाँ तक ले आएंगे, छोड़ देंगे, ऊपर मात्रा आ जाएगी, हमारी लाइन आ जाएगी। तो क्या लिखा बेटा मैंने? चील। क्या लिखा? चील। अंश। आगे साथी। क्या? साथी। सा यानी कि सा के सा आ की मात्रा, सीधी लाइन आधे से ज़्यादा कर किया, छोड़ दिया, सा के साथ आ की मात्रा। साथी था थर्मस वाला बेटा, यस हाँ जी, गोलाई नीचे सी बनाया नीचे, अब हमने आ की मात्रा लगाकर इसके ऊपर गोलाई मात्रा लगाई, तो हमारी ये ई की मात्रा बन गई। तो हमने क्या लिखा? साथी। आगे बेटा हम लिख रहे हैं सीटी। क्या बोला? सीटी। अब हमने स कैसे बनाना है बेटा? सबसे पहले सीधी लाइन आएगी, आधे से ज़्यादा लिया, करा बनाया, छोड़ दिया, ये हमारे पतला से करवाया, सीधी लाइन आ गई। तो सी बोला ना बेटा, सी यानी कि बड़ी की मात्रा, सी। और आगे मैंने क्या बोला बेटा? टी यानी कि ट को भी हमारी बड़ी ई की मात्रा आएगी, ट बना आ की लाइन, इसको हमने ऊपर ई की मात्रा बना दी, इसके ऊपर हमने लाइन लगाई। तो मैडम ने क्या लिखा बेटा? चील, साथी, सीटी। ये बेटा मात्रा अलग अलग क्यों बताई गई है? ताकि आपको पता चले कि हमारी ई की मात्रा किस शब्द के साथ आ रही है, पहले वाले या दूसरे वाले या दोनों पर आ रही है। तो जैसे बेटा मैंने दोबारा मैं आपको बोल रही हूँ सीप। क्या बोला? सीप। स यानी कि स के साथ ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है, छोड़ दिया, कर्व लिया बेटा, सीधी लाइन, साथ में ई की मात्रा, आधे से ज़्यादा लेंगे बेटा, सीप। हाँ जी, आगे ले रहे बेटा हाथी। तो किसके साथ आवाज़ आ रही है? थ के साथ, यानी कि की आवाज़, सीधी लाइन बेटा, वापिस जाएंगे, छोड़ देंगे, हा यानी आ की मात्रा, थ आगे बेटा, सीधी लाइन। तो बेटा क्या लिखा हमने? हाथी। क्या लिखा? हाथी। अब बेटा लीची। ली, ली यानी कि ला को ई की आवाज़ आ रही है, अभी आपने देखो ना कौन सी ई की आवाज़ आ रही, बड़ी की, यानी कि पीछे से मात्रा ली,
ची। ठीक है बेटा, तो मैम ने क्या लिखवाया आज आपको, बड़ी की मात्रक शब्द है चीन सी, साथी हाथी, सीटी लीची। बोल बोल के लिखिए, दोहराई कीजिए। धन्यवाद।